आप भी बैठ जाओ, अल्पेश भाई बैठ जाओ। Thank you.
प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम कर लीजिए। आ जाओ, चलो आप लोग आ जाओ, आप लोग आ जाओ। ब्रह्म वर्चस्व फिर गाड़ी लेकर ऋषिकेश, और ऋषिकेश होकर के सीधे आ जाएंगे हरकीपुर, ठीक है, वहीं से सीधे डायरेक्ट। हाँ, तो वो दोनों काम हो जाएगा, हरकीपुर जाकर भी वहाँ देख कर 8-9 बजे रात में आकर के फिर रात का भोजन अगर बाहर करना करने का मन हो तो रात में वहाँ यहाँ करना, तो लोग रात में, ठीक है, ऐसा कर दो। माता प्रसाद से सुरेश भाई तुम्हारा माटे क्या है? आपको ये अब याद रहेंगे आगे ने से। ये शांति कुंज के गेट नंबर 1 है। यहाँ पर जी डॉक्टर साहब से मिलने के लिए लोग खड़े हैं।
मैनू तो मैं पासवर्ड पा आइए बहुत सीरियस है कल जयेश भाई का भी फोन आया सामने आ जाओ आगे आगे आ जाओ ये छवि राम जी हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं कितना अच्छा मौके पर आए बताओ
सामने आ जाओ पीछे आ जाओ। अभी ले जाएंगे। कौन है? अनगोरी जी हैं क्या? अंदर की आवाज बाहर आ रही है लेकिन बाहर के अंदर नहीं जा सिद्ध पटेल को कोई ले जाएगा तो आपस में छोटी पकड़ना जल्दी ले लो अब बाहर निकलो जो ये आया आपके पास आसुसी के पास इससे छोटा था ये नहीं सब आपके पास आ गए ये आ गए चलो आ जा इसको पकड़ो क्या है फोटो ले लिए फोटो इसको फोटो ले लिए क्या नहीं इसको हमने हाथ नहीं लगाया जल्दी जल्दी बहुत चलो चलो भैया चले बड़ा प्लांट है Gracias.
कहीं जाने चाहिए मैं उसी जा रहा हूँ के पत्ते खांसी के लिए अच्छे हैं ये तो कहीं जानना होगी लोए लोए ये बात यहाँ आते हैं ना मैं जरा ढोमराज में काम बता रहा था जी जी बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है सभी अपने परिवार की तरह रह रहे हैं सबको अपना अपना काम करके वो गाय सब अंदर वहाँ पे चल जब वो गाय उधर घूम रही है वो बिल्कुल छेद उधर से गए ये पूरी हमारी जमीन है पीछे भी कब तक वो घर लाइन वो दुर्खल रही हो जो है ना वही है 201 कर ली ना राइट हाँ लगभग वही वही तो है जहाँ पर पहले खड़े हुए अभी पानी के लिए पानी की पानी भी हुए ये यहाँ पर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं लाइब्रेरी बच्चे ये यहाँ पर और ये एनआरआई बच्चों के लिए ये बिल्डिंग बनाई हुई ये नई बिल्डिंग बनी फोटो बाद में खींचेंगे अभी चलेंगे बताएंगे फोटो खिंचाओ और गाइड करो सामने आ गए
गंगा रोग के लिए। कौन सा? क्या है ये? कौन सी सर? अर्जुन अर्जुन साल हृदय रोग ना दे मजा पड़ा था। लाभदायक यही दवा होती है, दूसरी दवा नहीं है। किसके लिए? इतना जान दो पानी में, एक लीटर पानी में जब एक पाव पानी बचे ना, और कम 150 ग्राम क्वाथ बना लेते हैं तो फिर उसको पी जाओ शाम को। उकाले की तरह नहीं? हां उकाले उसको 50-50 गाढ़े पियो, गाढ़ा बना दे। कार्ड हार्ट प्रॉब्लम जो है ना, आज सोच रहा था ये हार्ट प्रॉब्लम के लिए। ये पता नहीं ये क्या है भाई, लकड़ी का छाल? हां ये भी कुछ ये उसकी छाल है, खैर खैर की छाल। पेड़ छोटे छोटे अपने यहाँ है ना, शांत कुछ है, बाकी वो हिमालय से चंबल गाड़ा में दो ही गाड़ा ठीक है। हम पीछे से आएंगे गाड़ी लेके, अब महाकाल का दर्शन करना है। नहीं आवा गाड़ी में दो भाई हमारे कैसे तो आपने लाया चाहिए ना हमें तो आवाज अच्छी सबको चढ़ा दो ऊपर हम तो ना बेस है कागड़ो बोले
आपके साथ आप चले जाइए। उनको कंपनी रहे ना, आप भी चले जाइए भाई साहब। अरे हम तो रोज सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं 6 मंथ के। इसमें धर्म विज्ञान, इसमें विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी दी जाती है, योग के बारे में जानकारी देते हैं, नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी देते हैं, ज्योतिष के बारे में जानकारी देते हैं। और दूसरा कोर्स है ग्राम प्रबंधन, गाँवों का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, गुरुदेव जो कल्पना थी उसके आधार पर ये कोर्स चलता है ग्राम प्रबंधन का। तीसरा कोर्स होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, जो आयुर्वेद बेस इसका आयुर्वेदिक और तमाम चिकित्सा। और चौथा कोर्स जो है वो है योग का है, चौथा सर्टिफिकेट योग। पांचवा जो है वो भी योग का है, बस एक इतना है, एक 10+2 के बाद है और एक ग्रेजुएशन के बाद है, मतलब एक में हेल्थ को बेस बनाया है और एक में टोटल योगिक आसन वगैरह के पर जानकारी इस तरह से है। इसके अलावा BA BSc है, इसके अलावा BA BSc है मरी से चूर इस तरह से कितनी पढ़ाई के बाद ये जो है कुछ कोर्सेज 10+2 के बाद, जैसे BA BSc 10+2 के बाद है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स है वो 10+2 के बाद है। इसके अलावा सारे कोर्स जो है आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि मतलब ये तो यूनिवर्सिटी है ना, इसमें तो ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। सर्टिफिकेट वगैरह के लिए 10+2 हो सकता है, जितने भी कोर्स है ये प्रोफेशनल कोर्स हैं, सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब सारे कोर्स जो है ये वैलिड है और इनको करके अपना बच्चा कैरियर भी बना सकता है। जैसे योग के कोर्स हैं, इस समय इनकी बहुत मांग है, मतलब यहाँ तक कि रामदेव जी के साथ 2-3 बच्चे जो हैं वो यहीं के हैं, उनके साथ रहते हैं, जिसे मनुष्य वगैरह के पास भेजते हैं उन्हीं को भेजते हैं, क्योंकि उनके पास तो 10 दिन का एक पैकेज है, मगर यहाँ तो मास्टर डिग्री करके बच्चा निकलता है, इसलिए पूरा रेडी हो तो पूरा मास्टर होता है। यहाँ से जो जाएगा पढ़ने वो पीछे नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर ओपी मिश्रा, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी के भी हैं। चलिए पहला वर्ड पहले इसी का फोटो ले लो, डेस्कटॉप में बैकग्राउंड में आ जाएगा। देखिए
एक कोई तो खड़े हो जाओ, तो आ नहीं आना है। नहीं नहीं किसी को नहीं खड़ा रहना। अच्छा कोई मत खड़े रहो, सब बैठ जाइए। हाथ ले लो, हाथ आता है शीतल का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इंटरनेट से गाइड करते हैं उनका पूरा, उसके लिए एक अलग लाइब्रेरी बनाई है बच्चों के लिए उस साइड में। कुछ तो आज वैसे शाम को आने वाले बोले हैं, जैसे शाम तक रुके हैं आपको यहाँ भी दिया है। आज तो है, है ना, सब वो इधर पर सारे इधर बोल रहा है। हाँ ये देखिए बच्चों की अपने लाइब्रेरी जो बच्चों ने काम किया है, ये सब थोड़ा थोड़ा भी नहीं रख रहे। कुछ मैगजीन डॉक्टर बुलाते हैं वो हैं, इधर भी मैगजीन मंगाए हैं, उसको बाइंड करके ईयर वाइज सेट कर रहे हैं। ये उनके लिए बच्चों के लिए कंप्यूटर रखा हुआ है, ये भी इंटरनेट से जुड़ा पूरा। यहाँ गर्मी के समय यहाँ बैठ के बाहर डॉक्टर नहीं रहे सबसे, अच्छे इतना टहलते भी हैं। इसको पकड़ को अभी निकलेगा ना, तक हार्ट का ब्रेन का, तो डॉक्टर साहब उसको बड़ा फेवर करते हैं और उसमें कोई चीज मिलाई नहीं जाती, उसका खून का जूस ही वो प्रेजर पे मिला करके रख देते हैं। वो आपको पिलवाने का है। हमने कहा पानी दो ले ली। हां इससे ले। सबसे अच्छा तो ये है कि आप लोग आए। हाँ एक ही भैया, ये लाइट अभी मतलब नेचुरल लाइट इसमें है पूरा, इसका डबल वेंटिलेशन का डोर लगाया है, तो जब डॉक्टर बैठते हैं पंखा का नहीं चालू होता तो अपना ग्लास खोल दिए और ठंड हुआ तो ग्लास बंद करके दिखाई दे रहा है, और ऊपर से भी ऐसे लिखा वेंटिलेटर ऐसे ही नेचुरल लगा हुआ टॉप पे, ऐसे डिजाइन की गई है कि यहाँ अंदर भी धूप आ जाए। हाँ अंदर धूप ही आती है। हाँ। ये पहला वो है जहाँ डॉक्टर साहब के ऑफिस को एसी नहीं बनाया, बाकी हमारे कंप्यूटर लैब है सब ऐसी है, लेकिन डॉक्टर साहब बोले कि परफेक्ट जैसा ही वातावरण बनाना चाहिए। उनका तो मन और था कि एक और यहाँ पर अमराई है, अभी देखा नहीं है गौशाला है, गौशाला में लगभग तो 108 पेड़ों का एक ग्रुप है, उस 108 पेड़ों के ग्रुप में होली के दिन डॉक्टर साहब वही बच्चों से मिलते हैं, तो कोई टेंट नहीं लगाते, वही अपना कुर्सी डाल दिए, सब बच्चे अपना रंगोली में जो भी गुलाल ले जाते हैं और इन पेड़ों पर टेंट लगा हुआ है बस। और ये कुछ ठीक ये कुछ पेड़ हो गए हैं ना, ये तो बैठ और इसलिए ठीक है।
मीनाक्षी बहन के विदेश भी है मुख्यमंत्री डिजाइन मीनाक्षी बहन का बेटा हाँ वही ऑपरेशन हो गई तो दिल्ली जब शायद आप सुन से मिले अरे फोन से फोन से बातचीत करा रहे थे वो खाली पढ़ रहे थे हम जाएंगे मिलने जाएंगे मिले नहीं कल उनका यहाँ एक सेमिनार था ना उन्होंने ही पीएचडी एच डी एक्टिव डाक्टर के अंदर पहली पीएचडी उनकी है जिसमें उन्होंने स्वयं डाक्टर ने व्यक्तिगत रुचि ले करके गाइड किया क्योंकि टीवी पे उन्होंने किया था यज्ञ से टीवी कैसे दूर होता है इसके लिए क्लिनिकल साइकिल बताना फिजिकली बताना ब्लड के आधार पर बताना डॉक्टर ही बता सकते हैं डॉक्टर एमडी है मेडिसिन पे वो बता सकते हैं भाई ब्लड केमिस्ट्री कैसे चेंज होती है ये कैसे तो वो चीज़ पहले दूसरी ममता सक्सेना ने किया जो दीप किया का और सब जो करते हैं जैसे अगरबत्ती जला रही है ये नहीं कर पाया अगरबत्ती जला कर तो उसको इनहेल किए उससे क्या प्रॉब्लम पड़ता है इसलिए तो हाँ जैसे गाय का जलाया जाए और जब यज्ञ में फिजिकल मूवमेंट है जैसे जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो टेम्परेचर सही पहल होता है काय रुद्राक्ष में पेड़ ये वाला नहीं मुझे चित्र बना हूँ बताओ हाँ ये रुद्राक्ष ये इसका फोटो खींच रहा इससे अंदर से रुद्राक्ष उसमें से जो बीज आता है हाँ बोल तो अभी नहीं है कच्चा है पकेगा तब आएगा पकेगा तब रुद्राक्ष उसकी भी सीजन होती होगी ना ये तो आम जैसे पेड़ सब हमारा बाबूजी प्रणाम ये तो अब कच्चा नहीं था अंदर में वो नहीं मिशन के बना नहीं अभी रुद्राक्ष हरा है एक दो महीने बाद बना अभी नहीं आई आपकी भाभी यू पर बस क्लिक कर दे बस बन गया सभी ले लेना सभी चौबीस अक्षर चौबीस शक्ति
कि अभी तक 13% का उपयोग हुआ है। आप लोग जिसको कहते हैं हमारे संपूर्ण मस्तिष्क का मात्र 13% उपयोग हुआ है कहते हैं। अभी 87% वैसे सुसुप्त अवस्था में, और वो जागृत हो जाए तो दुनिया में कितना बड़ा कमाल हो सकता है। तो ऋषियों ने कहा कि मनुष्य क्या है, उसे बाहर की जगत में खोजता है, और क्या खोजता है, कुल मिलाकर के मनुष्य सुख की खोज में ही लगा हुआ है। हम तो ये कह सकते हैं भगवान को तो हमने देखा नहीं है, आत्मा को हमने देखा नहीं। सही बात यदि ये है कि हम उसके गहराई में भी जाएं तो मनुष्य जो है सुख की खोज में है, सुख की खोज है ना। तो क्या है कि वो बाहरी जगत में देखता है। ऋषियों ने कहा कि इसके लिए आप अंतर्मुखी हो, तो ये सब अंतर्मुखी होने के माध्यम है हमारे, चाहे जप हो, यज्ञ हो, ध्यान हो, प्राणायाम हो, है ना। तो जप में ऋषियों ने गायत्री मंत्र को आप बता रहे हैं, आप बता दीजिएगा, आप न्यू जर्सी से ओंकार मंत्र गायत्री मंत्र, ओके, फर्स्ट टाइम टू इंजन मंत्र गायत्री ओंकार ओ तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ वी चेंज द मंत्र, व्हाट विल हैपनिंग, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, आई विल टेल यू। वी चेंज द मंत्र गायत्री हियर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। एनर्जी विल फॉर्मिंग बाय द मल्टीपल ऑफ मास एंड द लाइट, तो लाइट विल फॉर्मिंग बाय द डिवाइडेशन ऑफ एनर्जी बाय मास, so this is the forming by Einstein, but our Gurudev told about it. When you have to energy flow by the Gayatri mantra, we ultimately form the lighting part into the whole body. This is the form by our Gurudevs. So when we energize in the continuous the form of Omkar and Gayatri mantra, we build about the body in a very systematic manner, in the healthy consciousness and the spiritual consciousness, both sciences which are both the formings, just like this word Brahmavachas. So that is the form of Brahmavachas, science and spiritual part. And in our the yogic science, the seventh some chakra is there, the Mulara chakra to your Sahasra chakra, seven chakra is there. That will the lighting with the first year to be energized, your the basic chakra is the Navi chakra. That is by forming our Gurudev, what he said. He told that if you are energized by the forming of the Annamaya Kosha Jagaran, if you have the Jagaran of the Annamaya Kosha, you know, यदि आप अन्नमय कोष को जागरण करेंगे ultimately you get ultimately आध्यात्मिक चक्र, you to get it. तो इस हिसाब से गुरुदेव ने बताया। तो सो दिस दफा आप लोग भी गायत्री मंत्र करेंगे और आपका जब तक वाइब्रेशन विल कैन नॉट फॉर्मिंग योर द नाभी, दैट इट कैन नॉट बी लाइटिंग। आप जितना भी जोर से चिल्लाएंगे तब तक लाइट नहीं होगी जब तक आप नाभी से स्वर नहीं निकलेगा, ठीक है। स्वर कहाँ से निकलती है, एक तो गले से निकलती है, दूसरे हृदय से निकलती है, और तीसरा पार्ट निकलती है नाभी से। जब तक हाँ जब तक नाद ब्रह्म नहीं होगी तब तक नहीं होगा, इसलिए गुरुदेव ने नाद ब्रह्म के रूप से सुबह दोपहर शाम को कराते, दिस द फॉर्म, ओके। वाद ही क्यों करके 1977 में फिर से एक बार उन्होंने वो किया था। पहले इसका ये था कि अध्यात्म क्या था, क्या हो गया, बाद में उसका उन्होंने और उसको बदल के वो किया है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो उसमें प्रश्न 6 पे उन्होंने ये लिखा है कि आज या आज से 1000 वर्ष बाद कभी भी हमारी समस्याओं का निदान होगा तो वो अध्यात्म से ही होगा। और आज व्यक्ति क्या है, अध्यात्म के आयु विशेष का मानता है, वर्ग विशेष का मानता है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि अभी हमें क्या लेना देना है ना, जब 50 के बाद या जब 60 की सर्विस खत्म हो जाएगी तो राम नाम कर लेंगे, फिर बाद में कहना चाहिए मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कहा भी गया कि आप एक बार राम कह दिए तो आपको सीधे स्वर्ग मिल जाएगा। आप जैसे लोगों को इस तरफ मोड़ने के लिए जो 1 महीने के शिविर में जब लोग आते हैं तो उनके 2 बार चेकअप करते हैं, करीब 35 प्रकार के, वैसे तो यहाँ मैं समझता हूँ कि 1000 प्रकार के टेस्ट होते हैं टोटल यदि हम उसका कैलकुलेट करें। एक किताब भी गुरु जी लेकिन जीवन देवता की साधना आराधना करते हैं उसको आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर भी यहाँ 13 दिखाया जाता है एड जैसे कि आप देखिए साहब, आपने कहना चाहिए 9 दिन का साधना किया आपको इस प्रकार से लाभ हुआ। 1 महीने के उसमें उद्देश्य होता है अंदर से हमारे आत्मबल को बढ़ाना, अंदर से प्राण बल को बढ़ाना, क्योंकि प्राण ही महत्व है। ये तो स्वागत सब उसके अलग अलग वो कह सकते हैं। तो यहाँ वही देखते हैं कि आपका आत्मबल के बाद यानी प्राणायाम के बाद या ध्यान के बाद या जप के बाद आपने जो किया तो आपकी वाइटलिटी कह सकते हैं, आपका प्राण बल कह सकते हैं। ईजी बायोफीडबैक इसका नाम है। आपका कितना है, थोड़ी सी हमें आपका 2 मिनट टाइम लेंगे यहाँ पर।
गुरुजी ने कहा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो है मानव से महामानव, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम। तो इसका सूत्र क्या है कि हम अपने जीवन की एक एक बुराइयों को छोड़ते जाएं, एक एक अच्छाइयों को अपनाते जाएं, तो एक दिन हम देवता हो जाएंगे, है ना। तो जैसे यज्ञ में कहा जाता है अंत में देव दक्षिणा में कि आप अपने जीवन की एक बुराई छोड़िए, आप एक ग्लोबिन कितना था, आप बाद में कितना उसमें वृद्धि हुई, है ना, आपका ESR पहले कितना था, बाद में उसमें कितनी कमी आई, पूरा ये इसमें देखते हैं। कम समय मिलता है उनके अंतर का, मात्र 20 दिन का, पर अब एक महीने। अब यहाँ यूनिवर्सिटी से जो प्रोजेक्ट चलते हैं PhD के जिसको कहते हैं, लघु शोध के जो कहते हैं, तो इसमें यही देखते हैं कि आपकी बायोकेमिस्ट्री में क्या चेंज आया। और ये क्या है कि 32 चैनल EEG है, कंप्यूटराइज ये जो है, तो इसमें बाहर जो इसका उपयोग है मेंटल डिजीज रिकॉर्ड करने में, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, हेमरेज है, हिस्टीरिया है, फिट वगैरह है, और यहाँ ये हमारी ब्रेन वेव रिकॉर्ड करती है डिटेल्स। जैसे अभी हमने वहाँ बताया आपको साधना के बाद आपकी हार्ट बीट में क्या मतलब उसमें चेंज आए, ये इसमें देखा जाता है। और फिर तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ये TMT को बताती है, और कुछ नहीं तो शांति कुंज के वातावरण का भी प्रभाव देखते हैं, क्योंकि शांति कुंज के बारे में गुरु जी ने कहा कि ये सामान्य जगह नहीं, एक असामान्य जगह है, है ना। क्यों है कि ये प्राचीन समय की कभी विश्वामित्र की तपस्थली रही है, गुरु जी ने कहा, और गुरु जी ने इसको देखा अपनी दृष्टि से, क्योंकि गुरु जी एक दृष्टा के रूप में थे, वो आपके अंदर और बाहर भी देखते थे, आपके मन को भी देख लेते थे, ऐसा लोगों ने बताया। तो इसलिए गायत्री मंत्र से बढ़कर के हमने जो बताया कि ना कोई मंत्र होगा ना आगे कभी होगा, ये तो निश्चित है। तो ये देखते हैं कि लोग यहाँ रहते हैं, उनके रहने मात्र से क्या परिवर्तन आया, ऐसे लोगों का बाहर के लोगों से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जो लोग बाहर रह रहे हैं और जो लोग शांति कुंज में रह रहे हैं, कोई साधनात्मक प्रक्रियाएं नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये उसमें देखा जाता है।